आप तो जानते ही हैं कि हमारा सारा काम अब्दुल जमान साहब ही संभालते हैं, तो उनसे बात करके ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आगे का क्या करना है। और अगर उससे पहले आपकी उनसे बात हो जाती है तो आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा। जी बेहतर है। वैसे सुबह मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो वहीं उनसे बात करके मैं बताता हूँ आगे का क्या प्रोग्राम है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जी चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे किशन जी साहब, ऐसा करना कि तुम सुबह कल 8 बजे आ जाना, तो पहले हमें होटल सम्राट जाना है, फिर उसके बाद वहाँ से फारिग होकर तकरीबन 10 बजे करीब तुम हमें ऑफिस छोड़ देना। साहब कल? हाँ कल तो होली है ना साहब। अरे हाँ हाँ भाई, तो हम कौन सा होली खेलते हैं, और फिर हम कोई सरकारी नौकर तो हैं नहीं जो काम से छुट्टी कर लें। साहब 3 साल में पहली बार बीवी बच्चे गांव से शहर आए हैं, सोच रहा था उनके साथ होली मना लेता, कल की छुट्टी मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ फातिमा, फातिमा अपने बच्चों को अब नमाज का पाबंद बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि बच्चे अपने वालिदैन की बातों को नज़रअंदाज करें, ऐसा पहले भी हुआ है। क्या हुआ, शक्ल का एक लटका रखी है, सब ठीक तो है ना? देखो हम तैयार हैं, चलो बबुआ के लिए कपड़ा ले आते हैं। साहब ने कल की छुट्टी नहीं दी, कल तुम लोग ही होली मना लेना। क्या कह रहे हो आप? कैसी बातें करते हैं आप? हम पहली बार शहर आए हैं आपके साथ होली मनाने के लिए, और आपको हमारे लिए छुट्टी नहीं मिली। हमसे भी बढ़कर साहब हो गए का, शादी करके पटक दिए हैं हमें गाँव में कि खर्चा कम होगा, ऊपर से तीज त्योहारों पे भी समय ना है। क्या दिक्कत क्या है आपके साहब की, क्यों हमें हमारे त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं? वो मानो होली उनका त्योहार नहीं है तो क्या उनको दूसरों के त्योहारों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? साहब को क्या दिक्कत होगी भला, तुम तो जानती हो वो लोग कौन है, होली वगैरह नहीं मनाते हैं वो लोग, उनके लिए धंधे से बढ़कर कुछ नहीं है। त्योहार हमारा है, वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? कल जाना है उनके साथ, हम काम करते हैं उनके यहाँ, मालिक नहीं है जो हुक्म चलाए। ठीक है, आप रहो अपने साहब के साथ, हम जा रहे हैं। किशन जी साहब, गाड़ियां साइड में लगा लो और मुझे यहाँ छोड़ के तुम चले जाओ। जी साहब। साहब साहब कल की छुट्टी का बताया नहीं आपने। अरे किशन, उसमें पूछना क्या है, तुम कल की छुट्टी लो और अपने परिवार के साथ होली मनाओ, और हाँ ये लो कुछ मेरी तरफ से, अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना। नहीं नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है साहब। अरे तुम्हारे बच्चे भी तो हमारे बच्चों की तरह ही हैं, और होली सिर्फ तुम्हारे ही त्यौहार थोड़े ना है, हमारा भी, हम सब हिंदुस्तानी एक परिवार की तरह हैं। और ये त्यौहार वो मौका होते हैं जो सारे धर्म रीति रिवाज और मजहब की जंजीरों को तोड़कर हम सबको एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। तो ज़्यादा सोचो मत, रख लो, ठीक है? साहब 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 एक मिनट साहब, थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लीव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. Wish you all a very happy and colorful Holi.